राम चावला जी और बीजेपी हाईकमान का हुक्म होगा ये तो एक मामूली धरावा जहानू पुतली कार जाम करांगे और नाच मनन ते भंडारी पुल जाम करांगे। दर्शकों को जय माता दी। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बाई नंबर फाटक है, यहाँ पर नया ब्रिज बन रहा है। आज जो बीजेपी नेताओं की ओर से, जो बीजेपी के सेंट्रल हलके के इंचार्ज है डॉक्टर राम चावला जी, इनकी ओर से धरना लगाया गया है और पंजाब सरकार के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया? एक तो पुल नहीं बन रहा, दूसरा विरोध जो घरों में गंदा पानी आ रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फाटक की, क्या कहते हैं डॉक्टर राम चावला जी और सेंटर हलके के विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता जी क्या कहते हैं, देखिए पूरी वीडियो। लाइव अमृतसर न्यूज अजय अरोड़ा की रिपोर्ट, कैमरामैन रोहित खिंद्री के साथ जय माता दी। जो भी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हाँ और इस केंद्रीय विधानसभा तो चुनाव लड़िया सी जिदे विच एरिया आंदा इत्थों दे लोगां दी बहुत देर तो यह समस्या सी भी इत्थे ट्रैफिक का बहुत जाम लगता है क्योंकि जड़ा आरओबी बनन वाला सीगा वो बड़ी देर तो रुकया होया और उसके उत्ते कार्रवाई कोई नहीं हो रही। असी इस मंग नाल इत्थे बैठे हाँ कि आरओबी का जड़ा पुल है जल्दी तो जल्दी बनाया जाए और उदे नाल जिहड़ी सर्विस लेन देनी होंदी है वो सर्विस लेन भी दिती जाए क्योंकि सर्विस लेन जिहड़ी है टुटी पई है, उहदे सब तो वड्डे टोए पए होए ने और उस टोयां नूं भरिया जाए और सड़क बनाई जाए। दूसरी समस्या जिहड़ी इस इलाके की सी पानी ना आंदी, फाटक तो लैके नूरे शाह तो लैके ते इस्लामाबाद चौंक तक 12 मकाना और जिन्ना भी एरिया है उत्थे पानी की बहुत समस्या, पानी की बहुत किल्लत है। तुहानूं मैं दिखाईए ऐसा पानी सानूं इत्थे पीण नूं लोगां नूं मिलदा पिया है। क्या है पानी पीण वाला, मतलब लोग ऐसा गंदा पानी पीण नूं मजबूर ने। अज ही हुणे तुहाडे सामने भर के लिआंदा गया, कोई असीं घरों ते लैके नहीं आए। पानी ऐसा पानी लोगों नूं मिल रहा और पानी बहुत घट आ रहा, पानी की किल्लत बहुत ज्यादा हैगी है। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਭਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਮਨਚੰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਸੋਮਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਨਈਅਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪੁੱਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਲੋ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਜਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 7,000-8,000 ਸੈਂਕੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਿੱਟੇ ਦੀ, ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਾਮਬਾਗ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਲੈ ਲਈਏ,
ऐसी कोई जगह मैं दस दो जिथे चिट्टा नहीं विकता पाया, अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की गल करिए, लॉ एंड ऑर्डर से तुम आप ही देखते हो रोज कितने ना कितने गोली चलती है, कोई किसी नु कोई डर खौफ नहीं है। अगर बच्चे ने घरों पढ़न जाना होंगे या कितने पार्टी से जाना तो बच्चे कह दीदा भी काका 8-9 बजे तक घर पहुंच जा। क्या ऐसी सरकार वास्ते असं इन्हों चुनिया? वक्खवादी सर जड़िया ताकत ने उन्होंने बोलबाला पंजाब दे विच वध रहा, 84 वाले पासे लैके जा रहे ने। और मान साहब का हाल देखिए, 8:00 PM तो बाद उन्हों का पता नहीं, आपां नूं पता ही है किवें जहाज च उन्होंने लाया गया। अगर ऐसी सरकार लोगों ने वोटा पा के जो बनाई दिता तो इन्हों का एक मंत्री कहता है भी पंजाबी बेवकूफ ने, तुम सारे ने उस गल नूं कवर किया है। मैं तो कहना जी पंजाब के लोग बेवकूफी कर गए हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार वोटा पा के असी जता दिता, पर यह सरकार हर फ्रंट से फेल हुई। गंदे पानी हल्का लगता की कहना चाहोगे? देखो जी जो मैं MLA बनिया उदो मैं दिन रात मेहनत करके जिन्हां इलाकियां दे विच गंदा पानी आ रहा है, पानी जे आपां गल करिए रामनगर कलोनी दी ते वार्ड नंबर 54-55 इन्हां च कई सालां तो लोगों नूं गंदा पानी पीण नूं मिल रहा सी। असीं जिहड़ा 24 घंटे मैं जिहड़ा इहदे लई तत्पर तैयार रहिंदा कि जदों मैनूं कदी किसे दी कोई कंप्लेंट आउंदी है इमीजिएटली उहनूं मैं फॉरवर्ड करदा, चाहे रात दे 10 बजे होण 11 बजे होण चाहे दिन दे 7 बजे होण सवेर दे, इमीजिएटली मैं जिहड़े SC ने सतिंदर महाजन जी उन्हां नूं भी फॉरवर्ड करदा, उहदे नाल नाल जॉइंट कमिश्नर नूं भी करदा। और मैं इत्थे कहांगा कि मेरे तो पहले भी लोग जिहड़े सीगे बहुत ज़्यादा दुखी सी इस इलाके च, जदों मैं जांदा सी कंपेन ते तो लोग इहो ही कहिंदे सी कि साडे घरां च ना पानी आउंदा, जे आउंदा ते गंदा पानी आउंदा। ते मैं उह तुहानूं इह जाण के खुशी होएगी कि सब तो पहला मैं उत्थे इक रामनगर कलोनी च ट्यूबवैल लगवाया, और ट्यूबवैल लगवाण तो बाद भी जिहड़ा गंदे पानी की समस्या सी वह मैं SC दे ध्यान च लियांदी सी। और आसे पासे पानी गंदा सी ओ नहीं नहीं उत्थे जिहड़ा पीण वाले पानी की गल कर रहे ने मैं उहदी गल कर रहा। असी हर वेले जदों भी कितें कंप्लेंट आती है साडी टीम आम आदमी पार्टी की अलग जाती है, और जिहड़ी ऑफिशियल टीम है जिहड़ी नगर निगम की टीम है वह अलग जाती है, उत्थे वलंटीयर खलो के लागे उस समस्या नूं दूर करके उन्होंने जिहड़े कंप्लेनेंट हुंदे उन्हां नूं दस के कि असीं तुहाडी जिहड़ी कंप्लेंट दो अहीं कर रहे हां। पर मैनूं इह गल कहिण च कोई गुरेज नहीं है कि यह जिन्ना भी गंद है जिन्नी भी गंदगी है यह पिछले 70 सालां दी है, इहनूं पूरी तरह ठीक काफ़ी हद तक मोर दैन 80% ठीक हो गई है, जिहड़ी बाकी 20% है वह भी असीं आने वाले दिनों चनूं जल्दी तो जल्दी ठीक करांगे। और ये नाल नाल ही जिहड़ी फ्लाईओवर की गल करते हैं वह भी असी रेलवे वालियां नाल बैठ के उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने एक्सपेडाइट करा के जल्दी तो जल्दी वो जिहड़ा फ्लाईओवर कंप्लीट करावांगे। और ये नाल नाल जिहड़ी सर्विस लेन की गल कर रहे हैं वह मैं अज ही गल कर लैंदा SC दे नाल गल करके, मैं उन्होंने कहांगा कि जिनी जल्दी हो सकता जिहड़े टोयां की गल कर रहे हैं वो असी उन्होंने खत्म करिए और एक अच्छी सर्विस लेन प्रोवाइड करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंजाब सरकार दिया नाकामिया इन्हों सुते हुए जगान आए हैं, जो कि इतने गंदे पानी की समस्या और इतने ट्रैफिक की समस्या, वैसे गंदे पानी की समस्या इस्लामाबाद च नहीं पूरे अमृतसर च वा, सारे सारे अमृतसर दिया वार्डा च गंदे पानी की समस्या वा। यह बोतल पई जी गंदे पानी की, मैं तो कहना इतों के MLA यह पानी पिलाना चाहिए जी। यह पानी देखो पीने योग्य हैगा वा पानी, इतों के MLA की इतों के किन्ने भी MLA है ना अमृतसर के सारे नूं यह पानी पिलाना चाहिए, फिर इन्हों नूं दर्द होवे कि एक गरीब कीड़ा पानी पी रहा अपने घर च बैठे आ, यह सुते पे ने इन्हों नूं इदां ही जगाया जाना वा धरने ला के, जो कि साडे MLA साहब सेंटर दे राम चावला जी और BJP हाईकमान का हुक्म होगा यह तो एक मामूली धरनावा जानू पुतली घर जाम करांगे और ना मनण भंडारी पुल जाम करांगे। मैं इन गल्लां कहिंदा भगवंत मान जी
उठ जा, मैनू पता सर्दी आ, तुम सुते रहते हो। मैं कहना इन्हें पीए किने गया, इन्हू जगाओ जगाओ, नेस्कैफे पिलाओ कि शायद ये जाग जे। झूठे वादे कर करके इन्हें सरकार बना बैठा वा, इनको वादे पूरे कर। दुखी भैन भरावां दे सच्चे हमदर्द गुरु रहमानी जी 98788-73698 गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ 100% गारंटी नाल पाओ हर परेशानी दा हल काम ना होण ते पैसे वापस वशीकरण करवाओ मनचाहा प्रेमी प्रेमिका अपने वास विच करो परेशानी जिवें खोया प्यार वापस पाउणा पति पत्नी झगड़ा सौतन दुश्मन दा खात्मा तलाक केस विदेश विच पक्का होणा कर्जा मुक्ति प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक वार जरूर संपर्क करो मैं तुहाडा प्यार नहीं देवांगा गुरु रहमानी जी 98788-73698